ए बड़ो, ये पंसारी की दुकान थोड़े ना है जो पैसे गलत होंगे, पूरे 2000 है 2000। ए लैला और शन्नो, इसको लेके जाओ, अच्छे से तैयार कर। हाँ, ये किस्सा भले ही 20-30 साल पहले का हो, लेकिन वर्तमान में भी हालात बदले नहीं है। लेकिन रेशमा कोई आम लड़की नहीं थी, उसने अपने हालात से हार नहीं मानी। छोटी सी उम्र में ही वो बहुत समझदार थी और अपने हक के लिए लड़ना जानती थी। उसे मरना मंजूर था, इज्जत गवाना नहीं। 5000 दूंगा, चलेगा? ये हुई ना मर्दों वाली बात। थोड़ी सी जान देना चाहती है ना? हाँ, तो ले, पी ले इसे और दे दे अपनी जान। बी, ये तो जिंदा है, जहर का भी असर नहीं हुआ इस पे तो। अजमा रही थी से, पानी था इसमें। वैसे मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी, अपनी जान दे दे। आज से तेरी इस जान की हिफाजत नूर बी करेगी, ये वादा है नूर बी का। मौत का डर दिखाकर झोंकने का ये एक तरीका इजाद किया गया था। इस तरह से लड़कियां दहशत में आ जाती थीं और मजबूर हो जाती थीं। लेकिन नूरबी की सारी कोशिशें रेशमा के सामने बेकार हो गईं। रेशमा ने तो मौत को गले लगाना बेहतर समझा। बनिस्बत की उस जिल्लत भरी जिंदगी के नूरबी ने भी पहली बार इतनी जिद्दी और बहादुर लड़की देखी, इसलिए वो रेशमा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी और उसने रेशमा को उस माहौल से बचाए रखने का फैसला किया। क्यों, वो किसी की बेटी नहीं हो सकती, वो खास है। अरे, ये सब हमारी खुद की बेटियां भी करती हैं, फिर तू काहे हमसे दुश्मनी ले रही है उकरा खातिर? वो ऐसी बात नहीं है, हम तो उसे खासम खास बनाना चाहते हैं। अरे भाई, अच्छे से नाच गाना सिखाएंगे तो ही बढ़िया कीमत मिलेगी ना। तेरी इस खोपड़ी में इतनी सी बात नहीं घुसती, मैंने ये क्यों किया है? तुझे बचाने के खातिर। अगर मैं उनसे ऐसे नहीं कहती ना, तो वो तुझे बिठा देती, तेरे बाप की तरह नहीं। एक बार जबान दी है ना, तो मर के भी अपनी जबान निभाऊंगी।
क्या हो गया? क्या तबीयत को क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं, सेहत नखरे दिखा रही है। तो ख्याल भी तो नहीं रखती हो तू? बड़ी जो हो गई है मेरा ख्याल रखने के लिए। तो अब ना सारा काम धाम छोड़ दो, सिर्फ आराम करो। अरे फिर खाएंगे क्या? हाँ तो जिएंगे कैसे? दुनिया जीती है ना, हम भी जिएंगे। हम खोजेंगे कोई रास्ता, हम कमाएंगे। एक आम आदमी के लिए जहां ईमानदारी की दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल होता है, वहीं अगर एक यहां पली लड़की ईमानदारी से जीने की बात करे तो आसमान से तारे तोड़ने से भी ज्यादा नामुमकिन सा काम कहलाएगा। लेकिन रेशमा इस नामुमकिन को मुमकिन में बदलना चाहती थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका हुनर, उसकी कला उसके काम आएगी। लेकिन रास्ता कतई आसान नहीं था। रेशमा ने बहुत कोशिश की। उसने कई ऐसी संस्थाओं के चक्कर लगाए जो डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, संचालन करते थे, लेकिन उसकी जाती जिंदगी का सच उसका पीछा करता रहा। कई दफा इनकार सुनने के बाद आखिरकार वो दिन आया जब एक जगह रेशमा को उम्मीद की एक किरण नजर आई। मंच पे नाचने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हम जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उसको देखने के लिए शहर के बड़े बड़े दिग्गज आते हैं जिन्हें नाच की समझ होती है। हाथ हिलाते रहना, गोल गोल घूमते रहना, बस और क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी देखे लीजिए। काहे को पकड़े कल्हैया रे कान्हा, बीच बजरिया लाज आए राधा को रे कान्हा, बीच बजरिया। कथक शब्द जी तो आप जानते ही होंगे, कथाकार से बना है। एक वो व्यक्ति जो नृत्य के जरिए अपनी कहानी कहे। साहब हमें जो कहना था वो तो हमने कह दिया, धन्यवाद। रुको, बैठो। एक मौका, एक छोटे से नृत्य समारोह में सिर्फ 10 मिनट। उन 10 मिनटों में अगर तुमने अपने आप को मनवा लिया तो ठीक, नहीं तो 10 मिनट तो बहुत है, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है। ये मेरा कार्ड। अगले हफ्ते रविंद्र हॉल में तुम्हारा प्रोग्राम होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने एक बहुत बड़ी पहल की है आज। अल्लाह आपको सलामत रखे। धन्यवाद। अरे क्या हुआ बी? आपकी दुआ काम कर गई बी, हमका एक मौका मिला है। अगले हफ्ते का एक शो है कथक का, वो मिला है हमें। और कहां? रविंदर डांस हॉल में। हमें पता था तू कोई आम लड़की नहीं है, बहुत खास है। हमें तुम पे नाज है रेशमा, ये आगाज है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, इन सभी मजलूम लड़कियों के लिए। तुझे कामयाब होना पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम कामयाब होगी ना? हम जरूर कामयाब होंगे बी। जरूर।
ये पहली बार हो रहा है। अपनी कला दिखाएगी, अपनी जैसी तमाम लड़कियों के लिए एक नई राह दिखाएगी। अल्लाह तुझे सलामत रखे। रेशमा अब रेशमा बेगम के नाम से मशहूर होने लगी। बतौर एक कलाकार के उन्होंने कई समारोह में नृत्य किए। उनका प्रोग्राम देखने वालों में अब इज्जतदार लोग भी शामिल थे। बदनाम गलियों से बाहर निकलकर एक लड़की ने अपना मकाम बना लिया था। उनके चाहने वालों की तादाद भी अब बढ़ने लगी थी। मजा आया ना भैया, लोग पता है कितनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। रेशमा, हमें इस जन्म में इतनी इज्जत मिली, वो भी तुम्हारी वजह से, ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। अरे नूरबी सुनो, जी सब आप अपने पास रखो। अरे और तू, हमका का जरूरत, सब कुछ है हमारे पास। अपने सारे पैसे लाकर मुझे दे देती है, अपने बारे में जरा भी नहीं सोचती। हाँ नूरबी, इलाय कापी ने तो बनाया है हमका। अरे नैनसुख, अंधों की तरह क्या गाड़ी चला रहा है? आगे रास्ता रोका हुआ है। नूरबी वो सब कौन है? कोई नहीं, तुम लोग घबराओ मत, मैं भी आती हूँ। नहीं नूरबी, आप ना जाओ। मैंने कहा ना मैं भी आती हूँ, घबराओ मत। यहाँ डेरा डाले क्यों खड़े हो राघव? इतने नामचीन बदमाश होकर 20 सड़क में खड़े हो राघव? वो कहा है ना, वो तुहार जो रेशमा बेगम है ना, तू का यहाँ से भगाए वास्ते। नहीं छोड़ो, हमको छोड़ो, तुम नहीं जाओगी। रेशमा, खबरदार जवानी डूबी को हाथ लगाए तो। अरे बाप, अरे बाप, तो का छूले है? ए राघव, छोड़ दे रेशमा को, वो हमरे साथ जाएगी। अरे ऐसे कैसे जाएगी? तो ठीक है राघव, तुम दोनों में से जो जीतेगा रेशमा उसके साथ जाएगी। राघव, रेशमा का हाथ छोड़। असली मर्द औरत के पल्लू में नहीं छिपा कर दे राघव, तोड़ उसको। अरे तो हम का चूड़िया पहने है का? ए मारो रे। बेटा तुम जाओ यहाँ से, हम नहीं जाएंगे। नूरबी आपको छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। नहीं नूरबी, हम नहीं जाएंगे। हमसे पंगा लेने चला था। Hey, रे? ढूंढो रेशमा को। तुझे रब का वास्ता, तुम जाओ यहाँ से। शनो लेके जा। चलिए। hey, रुको।
रेशमा ने उस इलाके में रहते हुए उन मर्दों को अच्छी तरह से जाना था जो औरतों को सिर्फ रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज मानते हैं, जो औरत के दिल की तरफ नहीं उसके जिस्म पर ध्यान रखते हैं। ऐसे में नूर बी की सलाह को मानना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन जिस नाम का जिक्र नूर बी ने किया था वो शख्स जुनैद रेशमा को भी और लोगों से अच्छा लगता था। जुनैद उसी इलाके के एक फर्नीचर की दुकान में काम करता था, वो अक्सर रेशमा को मिलता रहता था और इसलिए वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। लेकिन रेशमा की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, कम से कम शादी के मामले में रेशमा बदनसीब साबित हुई। जुनैद ने रेशमा को वैसी खुशहाल जिंदगी नहीं दी थी जैसी हर शादीशुदा औरत अपने पति से उम्मीद करती है। जुनैद की जुआ खेलने की आदत ने रेशमा की शादीशुदा जिंदगी में जहर भर दिया। क्या बात है जुनैद भाई, काम धंधा कैसा चल रहा है? जब सोने की मुर्गी हाथ लग गई तो काम करने का क्या फायदा? ये लो, अब तो मेरे आयश ही आयश के दिन है। अब तुम पैक बना ना। रेशमा ने हर हालात से लड़ना सीखा था, बुरे माहौल में रहकर भी अपनी हिफाजत करती रही, लेकिन शादी के बाद हालात बद से बदतर हो गए। जुनैद का असली चेहरा रेशमा के सामने आने लगा। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ सह सकती है, रेशमा ने भी सहा। उसकी ममता ने उसे कमजोर बना दिया था। दो बच्चों को जन्म देने के बाद कई सालों तक वो जुनैद के अत्याचार सहती रही। उसमें अब लड़ने की शक्ति मिट गई थी। कब तक लड़ती वो? सबके लिए, अपने लिए, एक माँ के लिए इस बात का फैसला करना मुश्किल नहीं था। उसकी बेटी उसकी कमजोरी भी थी और ताकत भी, और उसी की वजह से रेशमा में फिर से लड़ने की ताकत वापस आई जब जुनैद ने सारी हदों को पार कर दिया। रेशमा, नूर भी, रेशमा, माफ कर पाओगी ना अपनी नूर भी को? नूर भी, ऐसा काहे बोल रही है? मेरे कहने पर तूने उससे निकाह किया और उसने, नूर भी, अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं आया होता तो हमें माँ बनने का सुख कैसे मिल पाता? जो हुआ है बहुत अच्छे के लिए हुआ है, और अब तो वो नहीं है ना हमारी जिंदगी में। मैं भूल गई थी कि तू तो खास है, तू अपनी और इन सभी लड़कियों की हिफाजत कर सकती है। वादा कर तू इन सभी लड़कियों का ख्याल रखेगी। हाँ, जैसे तूने अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी है वैसे ही तू इन सबकी अम्मी बन के रहेगी। वादा कर, वादा कर। हम वादा करते हैं नूर अम्मी, वादा।
आज से तेरी इस जान की हिफाजत नूर भी करेगी। नूर भी ये वादा है नूर भी का। वादा कर तूने सभी लड़कियों का ख्याल रखा, सभी लड़कियों का ख्याल रखा, जैसे तूने अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी है, वैसे ही तू इन सबकी अम्मी बनती रहेगी। वादा कर, वादा कर, वादा कर। रेशमा ने नूरबी को दिया हुआ वादा निभाया और याद भी रखा। उन्होंने बाकी लड़कियों की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। नूरबी के गुजरने के बाद रेशमा का जिंदगी के प्रति जैसे नजरिया ही बदल गया था। अब वो और भी ज्यादा दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगी थी और करने भी लगी। एरिया में रहने वाली लड़कियों के जीवन को वो सुधारना चाहती थी, उसके आस पास के माहौल को बदलना चाहती थी। शुक्रिया आपा, शुक्रिया। मैंने कुछ सोचा है, मैं नहीं चाहती कि आज के बाद से तुम में से कोई भी लड़की। अरे तो फिर जिएंगे कैसे? आमदनी कैसे होगी? ईमानदारी से भी पैसा कमाया जा सकता है। हाँ ज्यादा नहीं होगा, पर हम इज्जत की जिंदगी जी सकते हैं। ये तभी संभव है जब तुम लड़कियाँ मेरा साथ दोगी। तुम सब लोग को मेरी बात याद रखनी होगी, और हाँ कोई वादा खिलाफी नहीं चलेगी। और फिर मेहनत से पैसे कमाने के तो हमें कई जरिए मिल सकते हैं। तो तुम में से जो भी मेरे साथ है वो अपने अपने हाथ उठा दे। रेशमा ने लड़कियों के पुनर्वास के लिए एक मुहिम शुरू कर दी थी। वो चाहती थी कि वो लोग अपने आजीवन के नए रास्ते खोजें और एक साफ सुथरी जिंदगी गुजारें। देखिए मैडम, आपको हमारी मदद तो करनी ही होगी। रेशमा की मुलाकात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रत्ना मिश्रा से हुई, जो खुद उन सब औरतों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी, और रेशमा उनकी मदद से अपने एरिया में बदलाव लाने में जुट गई। रेशमा ने नए रोजगार के जरिए दिए और अपनी कोशिश जारी रखी। लेकिन समाज के लोगों को तो हम लोगों को जागृत करना होगा। वैसे कानून तो अपनी जगह है ही। नहीं, हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि समाज हमें स्वीकार करे, हमारी मांगों पर कुछ तो ध्यान दे। कोशिश करेंगे हम। धन्यवाद।
बहनों सोच कर देखो कि सरकार ने हर तबके के लोगों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई है। पिछड़े वर्ग के लिए भी हर प्रकार की सुविधाएं हैं, फिर हमारे लिए क्यों नहीं? हमारे समाज में हम सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ और कौन होगा? तो सरकार हमें आरक्षण क्यों नहीं देती? आप ही सोचिए, हम लोग आज जो कुछ भी हैं, इसमें हमारी क्या भूल है? हमें एक मौका तो दो कि हम एक नई शुरुआत कर सके। समाज को हमें अपनाना होगा, समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, तब जाके इन औरतों को एक नया जीवन मिल पाएगा। हाँ हाँ रेशमा बेगम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम सब यहाँ पास के कॉलोनी में रहती हैं, हम सबसे जो बन पड़ेगा हम इन लोगों के लिए करेंगे। हाँ हाँ, इन सबको भी इज्जत से जीने का हक है। हमें भी जीने का हक है। हमें भी जीने का हक है। हमें भी जीने का हक है। बहुत जल्द रेशमा की ये निराली कोशिश दूसरे कोठों में रहने वाली लड़कियों के दर तक पहुँचने लगी। एक के बाद एक इस बदलाव की महक पहुंचने लगी और एक बहुत बड़ी तादाद में मजबूर औरतें सामने आने लगी और इस बदलाव की राह में रेशमा के साथ चल पड़ी। और फिर वो दिन भी आया जब सब लोगों के कहने पर रेशमा ने एक और बड़ा कदम उठाया। शन्नू, लैला। हाँ, हवा दोनों की तरफ। सुन तो हम भी रहा भैया। नमस्कार। ये लीजिए। क्या है ये? जी, हम निगम परिषद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने आए हैं। फिर बोलिए। अंग्रेजी में कहें क्या? I came here to file nomination for ward councillor seat. मैडम, आपको पता है इस इलेक्शन में कौन कौन खड़ा हो रहा है? इस इलाके के एमएलए राम शरण मिश्रा के भतीजे और दूसरे राघव पांडे, उनको तो जानती होगी ना आप। अब इन दोनों के सामने आपका कोई चांस नहीं, आपका पत्ता साथ। क्यों, बदलाव से डर रहे हैं क्या आप? और अपने डर को यूं हंसी के पीछे छुपा रहे हैं? मत डरिए, लाइए फार्म दीजिए। लाइए लाइए दीजिए फार्म। रेशमा बेगम ने पर्चा भर दिया है। और इतिहास रचा गया उस छोटे से कस्बे में। रेशमा ने भारी मतों से निगम परिषद का चुनाव जीत लिया। हर वर्ग के लोगों ने, हर आम आदमी ने, पारिवारिक औरतों ने भी रेशमा को वोट दी, क्योंकि उन सब ने इस बदलाव को अपनाया और उसका दिल से स्वागत किया, क्योंकि उन सब ने रेशमा में एक सच्चे इंसान को देखा था जो उन मजलूम औरतों की जिंदगी को संवारना चाहता था। सावधान इंडिया उन्हें सलाम करती। अब मैं इतिन तेजवानी आप सबसे इजाजत लेता हूँ, कल फिर लौटेंगे एक ऐसी ही मिसाल के साथ। तब तक सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स। तो सावधान।